हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेंट के रेट तय करने का बाद जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि स्टेंट के रेट तय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे किसको फ़ायदा होगा, तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले ये समझना है कि आखिर स्टेंट का यूज़ क्यों होता है और कब इसे लगाया जाता है। हाँ, आजकल जैसे कि आपने सही कहा है कि स्टेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा रहा है। मैं स्टेंट के बारे में बात ना करते सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि स्टेंट की यूज़ और इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है। स्टेंट को समझने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, जैसे कि आप ये देखिए, ये हार्ट अटैक के वीडियो है, इसको देखें, जिसमें देख रहे हैं कि हमारे शरीर की जो हृदय की जो नसें होती है, हृदय की नसें होती है, इस नसों के अंदर से ये खून बह रहा है और ये कोलेस्ट्रॉल पीला पीला जो पार्ट होता है, इस कोलेस्ट्रॉल जमा होती है और कुछ समय के बाद में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो अचानक एक दिन फूट जाता है। ये जो फूट रहा है नीचे से देखिए, ये जैसे ही फूटता है इसे हम लोग इसको सडनली इसकी जो सप्लाई है लाइन है नीचे बंद हो जाती है और इसकी वजह से पूरी पूरी नीचे की जो एरिया है पूरा डैमेज हो जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। इसको ये जो पूरा एरिया खराब हो गया है ब्लैक। अब ये जो हार्ट अटैक आने के इसके जो ट्रीटमेंट होती है उस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मतलब इसको एनिमेशन के द्वारा समझे इसको कि ये देखिए हमारे हृदय की जो नसें हैं और उस नसों के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, इसके अंदर से एक पत्ती से तार डालते हैं, इस तार के ऊपर से एक बैलून लाते हैं। देखिए आप बैलून दिख रहा होगा आपको, इस बैलून के अंदर से हम लोग फुला देते हैं और फुलाने के बाद में देखिए जो कोलेस्ट्रॉल को दबा दिया गया है दीवार की तरफ, मगर उसको बाहर निकाला नहीं गया है। और उसके बाद उसके अंदर से हम लोग एक और स्टेंट जिसको बोलते हैं, जो आप हमें कह रहे थे, ये इसको बोलते हैं स्टेंट। ये एक धातु की बनी होती है, कई कंपनी अलग अलग धातु की बनी रहती है, जैसे कि स्टील की, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम इत्यादि, प्लेटिनम, ये सब चीज़ जैसे कि वो उसके बने होने के बारे में। इसके बाद इसको बैलून को बाहर निकाला जाता है और ये एक स्टेंट है। देखिए ये जो स्टेंट है ये रियल में जो स्टेंट है जिसको आप देखिए, ये अलग अलग तक इसको स्ट्रट्स कहते हैं। स्ट्रट्स का मतलब होता है कि जो पतली पतली धागा होता है या इसको पतली जो तार होती है, इस तार के डिपेंड करता है कि ये तार किस तरीके से बना गया है और किस धातु की बनी गई है, इस हिसाब से इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी और उसकी जो लंबा कितने साल चलेगा, कितने सालों से, इस पर डिपेंड करता है, ना कि इसके इस पर। मैं स्टेंट की जो क्वालिटी और इसके किस किस चीज़ों से के ऊपर स्टेंट की क्वालिटी नापी जाती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए कि इसकी जो धातु होती है, धातु का मतलब होता है कि जैसे इसकी जो स्टेंट के जो मेटल होते हैं, इस धातु कौन से धातु के बने थे, इस पर भी कभी कभी हमेशा कभी कभी नहीं हमेशा लगभग यह होता है कि तय होती है कि ये स्टेंट कितनी अच्छी क्वालिटी की है। कुछ कंपनी इसको स्टील के बनाती है, कुछ कोबाल्ट की, कुछ निकल की, कुछ क्रोमियम की, कुछ प्लेटिनम की, कुछ एब्जॉर्बेबल स्टेंट होती है, क्योंकि इसकी जब यह शुरुआत हुई थी, जब स्टेंट की बनाने की शुरू हुई थी, इस पे डिपेंड करेगा कि यह किस तरह से शुरुआत में, जब अपने 1976 में इसकी शुरुआत हुई यहीं पर, तब जो कोई स्टेंट नहीं लगते थे, 80 के दशक में आने के बाद में इस पर स्टेंट शुरू हुआ, तब ये मेटल की ऐसी ही बनी होती थी। धीरे धीरे जब देखा गया कि इसी में धातु के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि स्टेंट कितना लंबा चले, फिर जब धीरे धीरे और आगे आया, उसके बाद और आगे आया है जो जैसे कि इसके अंदर एक दवाई की कोटिंग, दवाई की कोटिंग मतलब जैसे कि एक स्टेंट होते हैं उसके ऊपर एक पतली सी अगर दवाई की कोटिंग, इस दवाई जो स्टेंट होता है इसके ऊपर एक दवाई की कोटिंग लगाई जाती है, इसको हम बोलते हैं ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। पहले जो अगर देखेंगे ऐसे ही तो इसको बोलेंगे बेयर मेटल स्टेंट, अगर इसके ऊपर एक दवाई की कोटिंग डाल दें तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट। अगर ये स्टेंट ऐसी हो कि अपने आप घुल जाए तो उसको बोलते हैं घुलने वाले स्टेंट या एब्जॉर्बेबल स्टेंट। फिर जो नए सबसे एडवांस इसको कहा जाता है एब्जॉर्बेबल स्टेंट, तो उसमें क्या कि इस तरह से बनाया गया है कि स्टेंट को धातु की मटेरियल के जगह कुछ अलग अलग तरह के मेटल यूज़ किया गया है, जिससे किया जाता है कि वो अपने आप 24 से 36 महीने या 40 महीने के अंदर ये पूरी तरह से घुल जाती है, मतलब शरीर के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। ऐसा ज़्यादातर उन मरीजों के लिए जिनको उम्र कम है, जैसे कि किसी मरीज की हार्ट अटैक 22-25 सालों में होती है, उन मरीजों के लिए स्टेंट लगाना जो घुलने वाली स्टेंट ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे गला सा बढ़ जाता है और थकावट आ जाती है। आपने वहाँ किसी को दिखाया था? हाँ, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये समस्या बताई, फिर उसके बाद यहाँ पर भी दो तीन जगह बताया, डॉक्टर त्रिवेदी को बताया, नाम वहाँ पे उन्होंने जो डॉक्टर लेख में मेरी समस्या और बढ़ती है, फिर दोबारा यहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं, मैं रहता ग्वालियर में, बच्चे रहते हैं, मैनेट में प्रोफेसर है, तो उन्होंने पूछताछ की, सर का बताया, सर को बुलवाया, एंजियोग्राफी करेंगे, हम देखेंगे अभी आगे वाले सेक्शन पे एंजियोग्राफी करते हुए, जब देखेंगे तो उनका ही करेंगे।
पेशेंट को कितना फायदा होगा? मुझे लगता है डेफिनेटली कुछ मरीजों को तो फायदा होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ गरीब मरीज होते हैं, कुछ अमीर होते हैं जो ज़्यादा पैसे कर सकते हैं। जो गरीबों के लिए जो सरकार ने जो नियम तय किया है कि 72,000 में एंजियोप्लास्टी करनी है जो गरीब रेखा के नीचे है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो CGHS स्कीम है उसके लिए उन्होंने तय किया है 70,000 के अंदर एंजियोप्लास्टी करनी है, हम लोग आज के दिन में उससे कम रेट में भी कर रहे हैं। जैसे कि जो सरकार ने तय किया है कि ड्रग एलोटिंग स्टेंट जो है 29,600 का मिलेगा और जो वैट के साथ में 31,800 की होगी, वो 800 या 600 जो भी, उससे भी कम में हम लोग 24,000 से 25,000 के स्टेंट में भी अभी हम कर रहे हैं। जिससे कि मगर कुछ मरीजों को जैसे कि होती है जिनकी ज़रूरत बहुत अलग एडवांस स्टेंट की होती है, जैसे कि कुछ जिसकी कीमत ज़्यादा होती है जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हाँ डिजॉल्वेबल जैसे कि घुलने वाला स्टेंट होता है, उन मरीजों के लिए अगर वो सही में अगर 30,600 मिलने लगे तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि मैं लगभग सभी मरीजों के लिए जहाँ पर ये हो सके मैं उसको करना चाहूँगा। मतलब एक आ जाए कि जो सबसे महंगा स्टेंट था जिसमें रिजोल्व स्टेंट कहते हैं उसकी कीमत अगर कम होती है तो पेशेंट को मरीजों का कोई भी जो अपर ग्रुप का प्रेजेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो गरीब पेशेंट उनके लिए तो पहले उसी तरह का ही चल रहा है, मगर कुछ अमीर पेशेंट्स हैं जिनके रेट्स कम हो जाएंगे, जो खर्च कर सकते उनके लिए भी डेफिनेटली फायदा होगा मैं ये मान के चलूँ। एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे आप 24,000 में या 23,000 में पेशेंट खरीदते हैं वो अब 29 का होगा, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को अब फायदा होगा इस नए नियम से? देखिए इस हिसाब से मैं जब फाइनेंस के बारे में थोड़ा कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनेजमेंट का काम होता है और सरकार का काम होता है, अस्पताल के मैनेजमेंट क्या करता है और सरकार किस तरीके से करता है। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, चूंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली अस्पताल के रोल बहुत अहम रहेगा। जब सभी स्टैंड की कीमत सरकार ने एक कर दी या समान कर दी तो क्या सभी स्टैंड एक जैसे होते हैं? इसमें ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि सभी स्टेंट जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो एक ही मरीज में सब तरह का या एक ही तरह के मरीज में सर एक किसी भी तरह के स्टेंट लगाना संभव नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेंट की जो कैरेक्टर्स होते हैं या उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर किसी मरीज की मुझे कोरोनरी आर्टरी बहुत सख्त होती है उसके लिए मुझे अलग तरह का स्टेंट जरूरत पड़ती है, किसी मरीज की कोरोनरी आर्टरी बहुत नरम होती है सॉफ्ट होती है उसके लिए अलग तरह का स्टेंट होता है, तो हर स्टेंट अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरीके के जगह पे उसका यूज़ किया जाता है। जो स्टेंट कंपनी 1,00,000 या 1,25,000 में देती है, गवर्नमेंट उससे बोले कि आप 30,000 में दो, तो वो कंपनी आप मरीजों को स्टेंट क्यों देगी? हाँ, ये एक तरीके से एक नया उलझन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्योंकि ये एक ऐसी स्टेंट ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि मरीज को लंबे से लंबे समय तक अच्छा स्वस्थ दे पाए, इसलिए हमेशा इसका रिसर्च चलती रहती है, हर 6 महीने में कोई ना कोई नई रिसर्च आती है जो स्टेंट के ऊपर होती है, और आज के दिन में हर जैसे हमारे इंडिया में तो रिसर्च बहुत कम होती है, मगर विदेशों में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि नई नई तरीके किस तरीके से बेहतर स्टेंट हम लोग बना पाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आगे इन फ्यूचर में अगर ऐसा रहा इस तरीके से हर एक स्टेंट को अगर इसी रेट पर रहेगा तो शायद नई जो कंपनीज रहेंगी वो हमारा इंडिया में उसका जो नए नए फीचर्स वाले जो स्टेंट होंगे उनको शायद हमें इंडिया में लॉन्च ना करें, ऐसा मेरी संभावना बेहतर। तो आपके नज़र में होना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से फाइनेंस के बारे में तो सरकार को अपनी तय करनी चाहिए कि किस तरीके से उनको नई रिसर्च और नई टेक्निक्स के बारे में नई नई रिसर्च के ऊपर फोकस करना चाहिए, साथ में ये चीज़ एक ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोग कोई कार खरीदे या कुछ ऐसा खरीदे, ये एक ऐसी चीज़ जो लाइफ को बचाती है, हमारे उद्देश्य मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एक इंसान को जिंदा रखे, उसको स्वस्थ जीवन दे, तो ये जो चीज़ होती है ये तभी संभव है जब हम इस चीज़ पर नई नई तरीके से रिसर्च करते रहें, और ये रिसर्च तभी संभव हो पाएगा जब इंडिया में हो चाहे बाहर किसी भी देश में, रिसर्च तभी संभव होता है जब उसमें कुछ फाइनेंस भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सरकार हमारे देश में सिर्फ 1.3% ऑफ GDP यूज़ करती है, और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ वर्ल्ड के हिसाब से एवरेज में पूरे वर्ल्ड में 5.3 से 5.7% तक का GDP का यूज़ होती है इसका, तो उसका मतलब बहुत गैप है, हम लोग सिर्फ बेसिक स्वास्थ्य पर अभी तक गुजार नहीं पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ को और परफेक्टली रूप से तैयार करके इसे यूज़ करना लागू करना चाहिए,
उससे कि मरीजों को साथ में नई नई टेक्निक्स के साथ में अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य अपन उपलब्ध कर पाए। अभी सरकार ने ये नियम एक कल के लिए लागू किया, वो इसके परिणाम देखना चाहती है, तो आपको लगता है कि इसके जो सरकार की जो मंशा है कि गरीबों को सस्ता इलाज मिले या स्टैंड की कीमत कम हो, तो वो उसमें उसको सफल होगी सरकार? मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा इस बारे में कि जो स्टेंट जो पार्ट होता है ये सिर्फ बहुत ही मिनिमम पार्ट होता है। आप इसको इतना बड़ा पार्ट लेके चल रहे हैं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें बहुत लंबी होती है। एक इंसान डायबिटीज की मरीज है, उनको हार्ट के प्रॉब्लम आ गई, एक इंसान हाइपरटेंशन का स्मोकिंग करता है कि नहीं करते, तंबाकू खाता है, ओबेसिटी कैसी, ये बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है जिसके हिसाब से ये सब चलेगी। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ मान के चले स्टेंट ही पूरी दुनिया का स्वस्थ हो गया, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य रिलेटेड बातें बहुत सारी चीज़ें जो सरकार को सिर्फ स्टेंट के बारे में तय किया है, मगर बाकी बहुत कुछ करना बचा है। ये समझ, अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूँ तो स्टेंट के बारे में बात करना सिर्फ हम सिर्फ 2% चीज़ के बारे में बात करें और 98% भर लोगों के बारे में बात ही नहीं करते, मैंने स्टेंट के बारे में बात करने से संबंध। तो फिर स्टेंट के अलावा ऐसे कौन कौन से उपचार हैं आपको जो लगता है कि गवर्नमेंट को इन पर फोकस करना चाहिए, इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, इनको रिवाइज करना चाहिए? नहीं, मैं स्टेंट के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये देना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, जैसे सरकार ने कंपलसरी किया है कि कोई भी गाड़ी खरीदे तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। किसी भी इंसान को अगर कोई भी अगर चाहे टू व्हीलर खरीदे चाहे मोटरसाइकिल खरीदे कार खरीदे, उसकी कंपलसरी है कि उसको इंश्योरेंस करे, बिना इंश्योरेंस के आप घर से बाहर गाड़ी नहीं ले सकते। तो इसी तरीके से कोई बच्चा इंडिया पे पैदा होता हो उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर कोई इंश्योरेंस अगर कंपनी या कोई बच्चा अपना पैदा करना चाहता है तो सबसे कंडीशन लगा दिया जाए कि भाई आपने बच्चा पैदा किया है या तो सरकार करे या तो वो खुद करे या उनसे करवाए कि कोई भी बच्चा नया कोई भी बच्चा हमारी इस दुनिया में आएगा उसके लिए कम से कम 2 लाख की इंश्योरेंस होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम वो आगे चल के कभी किसी भी तरह की बीमारी से रोग से पीड़ित हो सकता है, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे हार्ट के रिलेटेड निमोनिया हो, चाहे मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कुछ भी हो। तो ये जो चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा जितना हमारे लिए लाइफ से ज़्यादा क्या गाड़ी की इंश्योरेंस जरूरी है, ये सरकार को सोचना। बिल्कुल।